माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पठन पाठन की व्यवस्था शुरू किए जाने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर प्रदेश के प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से वार्ता की। गोरखपुर NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक सत्यम मंडल, योगेंद्र नारायण सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने कहा कि अभी शिक्षक अपने मोबाइल से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। अरे 5-7 मिनट का किस्सा हम लोग सुने, कैसे सुनाएंगे वो, और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, ये दो टॉपिक हो गए। तीसरा एजेंडा हम लोग का था व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन की सूचना। इसमें आगरा जनपद से, आगरा मंडल में आगरा जनपद से अपराध है और मैनपुरी से भी अपराध है। जी डी आगरा आगरा से मैं भेज दिया, मैं करा दिया। नहीं, आगरा और मैनपुरी का अपराध दिख रहा है, कृपया चेक कर लीजिएगा डायरेक्टर। आगरा भी भेज दिया मैं। मैनपुरी मैनपुरी मैडम भेज दिया। कब भेजा? कल तक की सूचना है, ये तो आज सुबह तक की सूचना है, कल तो नहीं होगा। आजमगढ़, मऊ, बलिया, जेडी आजमगढ़ आपके तीनों जनपदों से अप्राप्त है। भास्कर आपके यहाँ का अपराध दिख रहा है, मऊ का अपराध दिख रहा है। सामने मैम 640 इंच मैम, ये इंग्लिश के फॉन्ट में है और मऊ का तो उन्होंने अपना लोड किया हिंदी में बनाया था तो उस पर हो नहीं रहा था, सॉफ्ट कॉपी हमने कल ही भेज दिया था और आजमगढ़ का भी भेज दिया था। बलिया की ये चेक कर लीजिए पहुँचा क्यों नहीं। डायरेक्टर प्रतिमा से बात करके अभी भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग, मेरे सामने ये लिस्ट है। अच्छा, अम्बेडकर नगर में, अयोध्या में अम्बेडकर नगर। मैम मैं भेज चुका हूँ इसको, अब मैं दिखा लेता हूँ कि क्यों नहीं पहुँचा मैम। मैं ओके ठीक है। जेडी सहारनपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, तीनों अपराध। तो अब इसमें आपको रोस्टर बना के हम लोग को ऐड करवाना है। ठीक है, अब इसको आपको ऐड करवाने की प्रोसीजर शुरू करना है, जैसे कि हम लोग गया तो हम सब लोग ऐड हो जाए, मुख्यालय से भी देखना शुरू करें कौन कर रहा है। ओके अच्छा, एक चीज इस पे है नहीं, एजेंडा में लिखी नहीं है, पर मैं आपसे डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी आप लोग से बात की होगी, आयुष कवच से ये फीडबैक गया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पूरे स्टेट में केवल 7.5 लाख डाउनलोड हुए, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 51.1 लाख रिपोर्ट किया था। इसका मतलब है कि कहीं बहुत फॉल्स रिपोर्टिंग हुई थी और इससे ना केवल एक एम्बैरेसिंग पोजीशन हुई प्लस हम झूठे दिख रहे हैं। एम्बैरेसमेंट तो जो हुआ सो फिगर आपने भेजी वो एक्चुअली सही निकलनी चाहिए। मैं एक दिन और डांट खा लूंगी पर झूठा नहीं दिखना चाहिए विभाग को ना आपको। और भविष्य के लिए ध्यान रखिए कि हर चीज चेक हो जाती है और जब चेक होती है तो कभी पकड़े नहीं जाना चाहिए। ये प्रत्येक जिले का, हर जगह का ये लोग चेक कर रहे हैं कहां से कितने डाउनलोड हुए हैं। तो प्लीज इसको आप लोग बहुत सीरियसली लीजिए, ऐसा ना हो कोई जनपद स्तरीय अधिकारी, मंडल स्तरीय अधिकारी इसमें समस्या में फंस जाए। तो जुट करके कल शाम तक आप लोग जितने भी आपने दिखाए हैं डाउनलोड उतने आप सुनिश्चित कर लीजिए, दोनों आयुष कवच और आरोग्य सेतु का। पर पहली प्रथम
रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आयुष कवच की है क्योंकि उसकी जांच चल रही है, आज भी उसकी जांच हो रही है, तो उसको आप लोग प्लीज कर लीजिए। ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी समस्या में आ जाए। नेक्स्ट क्या नंबर? ये कौन सा? ये तो सेवानिवृत्त प्रधानचार्य प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पेंशन जीपीएफ सामूहिक जीवन बीमा के भुगतान संबंधित सर। इसका कमेंट्री कहाँ है? ये एक एक को किया नहीं जा सकता है। महेंद्र देव जी, हाँ बताइए। इसमें जो ये समझ में आ रहा है वो ये है कि कुल सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य प्रवक्ता सहायक अध्यापक, ये कुल से आपका क्या आशय है? जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं और इस वर्ष का नहीं है, इस वर्ष का है। मतलब वर्ष 19-20 में जितने लोग सेवानिवृत्त हुए उनकी बात है कि 31 मार्च 2020 तक कभी कभी हुए? एक अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले, इसमें मैंने ग्रेजुएशन भी किया है मैडम, जैसा पहले आपने आदेश किया था, ग्रेजुएशन कर ली है, इसमें